दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लगातार मिली दो हार के बाद आईपीएल 2023 में फाइनली आज जीत का स्वाद चख ली और ये जीत का स्वाद ऐसा था कि एसआरएस की टीम शायद ही कभी भूल पाएगी। जी हां, क्योंकि टॉस जीता हैदराबाद की टीम ने और बल्लेबाजी का न्योता दिया गब्बर की अगुवाई वाली टीम को और पंजाब किंग्स आज यहां किंग्स ने ही बल्कि करारी हार का सामना की, क्योंकि बल्लेबाजी करने आए प्रभसिमरन सिंह 0, मैथ्यू शॉर्ट 1, जितेश शर्मा 4, ऐसे करके सभी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होते गए धराशाही। लेकिन क्रीज पर थे एक तरफ गब्बर तो दूसरी तरफ सैम करन ने साथ निभाया गब्बर का, तो गब्बर पहले 43 गेंदों में 53 रन जड़ डाले, जिसके बाद सैम करन भी धवन का साथ छोड़ दिए। एक तरफ जहां पंजाब टीम के सभी बल्लेबाज धराशाही होते गए, गब्बर को मैदान में अकेला छोड़ दिए, तो वहीं धवन अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए 11 ओवर खेले जिसमें नाबाद 99 रन बनाए, तो वहीं 12 चौके और 5 छक्के भी दिखे, जिसके बाद दूसरी तरफ टीम के सभी बल्लेबाज 9 ओवर में टोटल 44 रन जोड़कर फ्लॉप हो गए। फिर जीत का स्वाद चखने के लिए उतरी हैदराबाद की टीम को 144 रन बनाने थे, जिसमें दोनों ओपनर बल्लेबाज के रूप में गब्बर की टीम सफलता तो पा गई, लेकिन कप्तान एडन मार्करम नाबाद बना डाले 37 रन, तो वहीं अपनी टीम के लिए त्रिपाठी ने जड़ डाला पहला अर्धशतक, जिसके बाद आगे फॉर्म में और 48 बॉलों में बना डाले 74 रन और हैदराबाद की टीम को इस टूर्नामेंट में पहली जीत मिल गई 8 विकेट से। तो वहीं कमाल की गेंदबाजी रही मयंक मारकंडे की 4 विकेट 15 रन, फिर मार्को जॉनसन, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किए और पहली जीत का परचम लहरा दिए।